मध्य प्रदेश में बीजेपी ने फिर से विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट रविवार देर शाम को जारी की। लिस्ट में कुछ चौंका देने वाले नाम हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से प्रत्याशी बनाया गया है। लंबे समय बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं देपालपुर से पूर्व विधायक रहे मनोज पटेल को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। देर शाम को भोपाल से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सीधे अपने निवास पर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय को का जमकर स्वागत किया। इस दौरान मुख्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो, ऐसा नारा भी लगाया। टिकट मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये पार्टी के कुशल रणनीतिकार अमित शाह का निर्णय है। यानी अब मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो, ऐसे नारे भी लगने शुरू हो गए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो दूसरी सूची जारी की है उसमें बड़ा ही चौंकाने वाला नाम सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इस बार पार्टी ने विधानसभा एक से मैदान में उतारा है। इस वक्त हम कैलाश विजयवर्गीय के घर पे मौजूद हैं और आप देखेंगे कि उनके समर्थक और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनके घर पहुंचे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के इस बार के जो चुनाव की रणनीति है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही थी कि इस चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ था, कई सीटों पर जो परिणाम थे वो काफ़ी बीजेपी के विपरीत जा रहे थे, और ऐसे में कई सारे बड़े नाम जो हैं वो बीजेपी ने उतारे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला कार्यकर्ताएं भी पहुंची हैं, और अगर बात करें इस चुनाव की तो ये चुनाव अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि विधानसभा एक से अगर बात करें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार है वो संजय शुक्ला हैं। पहले इस यहाँ से वे विधायक भी रहे हैं, और अब उनके सामने एक बहुत बड़ा नाम आ जाना इस बार इस चुनाव को एक काफ़ी अलग मोड़ दे सकता है। जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम आया है विधानसभा एक में, जिस तरीके का उनका नाम सामने आया है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की सांसें जरूर इससे फूल जाएंगी। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमराज सिसोदिया, इंदौर। वो और ज़्यादा बढ़ गया, और ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की है, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में उतर जाओ